गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर फर्स्ट लेसन विच इज अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। Here A is an article, short is an adjective, monsoon is a noun, diary is also a noun. A short monsoon diary, monsoon hota hai rainy season. Diary is a book in which somebody writes his her day-to-day happenings. मॉनसून क्या है? सीजन है, रेनी सीजन, जिसमें बारिश का मौसम जो आजकल चल रहा है। डायरी क्या होती है? डायरी एक छोटी बुक होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप को लिखता है। एक और वर्ड है डेयरी, स्पेलिंग थोड़ी डिफर करती है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफर है। डेयरी मीन्स वेयर वी कैन गेट द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क, जहां से हम मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सो नाउ द लेसन स्टार्ट्स। चक 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 मीन्स टू टैप और टू थ्रो, फेंकना या थपथपाना। इसका यूज कैसे कर सकते हैं आप देखिए, इन द सेंस ऑफ टू टैप, ही चक्ड, इट इज ए वर्ब, ही चक्ड अंडर माय चिन, मतलब क्या हो गया, उसने मेरी चिन के नीचे थपथपाया। दूसरा इस सेंस में टू थ्रो, चक इट आउट, द विंडो मीन्स इसको विंडो से बाहर फेंक दो। नाउ द लेसन स्टार्ट्स। द टाउन ऑफ चेरापूंजी, द टाउन ऑफ चेरापूंजी, चेरापूंजी, चेरापूंजी इज अ सिटी, और कहां पर है, कौन से स्टेट में है, मेघालय। द टाउन ऑफ चेरापूंजी सिचुएटेड, सिचुएटेड मीन्स लोकेटेड, लोकेटेड मीन्स वो यहां पर है। सिचुएटेड इन द हिली नॉर्थ ईस्टर्न,
हिली मीन्स ऑफ हिल्स, पहाड़ों वाला। ऑफ हिल्स और एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। राज्य कौन सा है? मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। चेरापूंजी कहां पर स्थित है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय में स्थित है। जस्ट वन सीजन, चेरापूंजी में केवल एक ही सीजन है, सीजन मतलब मौसम, और वो मौसम कौन सा होता है चेरापूंजी में? सीजन द मॉनसून। वहां पर हमेशा ही कौन सा मौसम रहता है? मॉनसून का। मॉनसून मतलब रेनी सीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर हमेशा साल के हर महीने मौसम रहता है मॉनसून का, मतलब बारिश वहां पर कंटिन्यूअसली होती रहती है। इट रेन्स एवरी मंथ ऑफ द ईयर, इट रेन्स एवरी मंथ ऑफ द ईयर, साल के हर महीने में यहां पर बारिश होती रहती है। दिस इज व्हाई द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वंस नेम्ड इट द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। कारण यही है, गिनीज बुक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसमें क्या होता है, ये एक बुक है जो वर्ल्ड लेवल पर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है किसी फील्ड में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे अलग, सबसे हटकर जो काम करता है, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक बार इसका नाम लिखा था कि यह दुनिया का, पृथ्वी पर दुनिया का सबसे गीला स्थान है, मतलब यहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड किसके नाम था, सबसे ज्यादा बारिश यहां होती है इस बात का रिकॉर्ड किसके नाम था, चेरापूंजी जो मेघालय। वेटेस्ट, वेट और वेटेस्ट का, वेट इज एन एडजेक्टिव, विशेषण है, विशेषण का काम क्या होता है, विशेषता बताना, विशेषता बताना। वेट, वेटर, वेटेस्ट, और विशेषण की क्या होती है, डिग्री होती है, डिग्रीज। पहली डिग्री को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी है कंपैरेटिव डिग्री जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, और तीसरी है सुपरलेटिव, दैट इज वेटेस्ट, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा गीला स्थान का तमगा दिया गया था इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा। द टाउन इज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट, ये जो शहर है, ये कस्बा है चेरापूंजी नाम का, जो शहर है मेघालय में, ये सारा का सारा सराउंडेड, सराउंडेड मींस घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ है, सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट, इट इज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट। The school is surrounded by companies. School के चारों तरफ companies है। School is surrounded by by houses, fields, इस प्रकार से आप surrounded का you can use in your own sentences. Dense, thick,
डेंस मीन्स थिक गहरे, द फॉरेस्ट इज वेरी डेंस, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा थिक है, वी कैन नॉट पास थ्रू इट, वी कैन नॉट पास थ्रू इट, हम इसके अंदर से नहीं जा सकते हैं, इट इज वेरी डेंस, वी कैन नॉट पास थ्रू द फॉरेस्ट। तो सारा का सारा शहर चारों तरफ से डेंस फील्ड्स के, डेंस फॉरेस्ट के द्वारा घिरा गया है, विद नेचुरल वंडर्स लाइक वॉटरफॉल्स, नेचुरल वंडर्स, नेचर के द्वारा जो वंडर्स प्रदान हमें किए गए, नेचर ने जो हमें अद्भुत चीजें दी हैं, वो क्या है, आपके हिल्स हैं, वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब हमें किसने दिया है, इट ऑल हैज बीन गिवन बाय नेचर, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नेचुरल वंडर्स। नेचुरल वंडर्स वॉटरफॉल्स, वॉटरफॉल्स क्या होते हैं, झरने, पहाड़ों से जो पानी गिरता है झरने के रूप में उसको कहते हैं वॉटरफॉल्स, केव्स गुफाएं हैं, और क्या है, कैन्योन्स, कैन्योन्स होती है वैली, डीप वैली, घाटी। डीप वैली विथ वेरी स्टीप साइड्स, स्टीप मीन्स विच फॉल्स एंड राइज क्विकली, विच फॉल्स एंड राइजेस क्विकली, बहुत जल्दी से एकदम से उठती है और एकदम से गिरती है, ऐसी घाटी, स्टीप विच फॉल्स एंड राइजेस क्विकली। नाउ हमें डायरी स्टार्ट होती है, असोर्ट मॉनसून डायरी, डेट वाइज इससे लिखा जाता है, डे टू डे, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, डायरी जो डेली लिखी जाती है, और इसमें तारीख 24 जून 24 से शुरू हो रही है डायरी आपकी, जून 24th क्या लिखता है, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, मिस्ट क्या है, धुंध, कोहरा, इट इज जनरली इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब, लास्ट दिसंबर यू कैन फाइंड हियर इन हरियाणा, वेयर वी आर, क्लाउड्स ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स के द्वारा जो बादल बनाए जाते हैं जिनके आर पार आप देख नहीं सकते हैं, वो होती है मिस्ट, और मॉनसून के बाद भी ऐसा ही होता है, आप बहुत ज्यादा दूर तक आसमान में नहीं देख सकते हैं क्योंकि धुंध या कोहरा छा जाता है, एंड इट इज मेड ऑफ वाटर वेपर्स। पहला दिन था वो कौन सा है, 24 जून, धुंध का, कोहरे का, मॉनसून का, एंड इट इज स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट as the mist comes climbing up the hill, and it is strange, और ये बड़ा अद्भुत था, it was very strange, क्या था, how all the birds fall silent, कि सारे के सारे birds fall silent, सारे के सारे पक्षी बिल्कुल शांत थे, means वो किसी प्रकार की कोई आवाज, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं कर रहे थे। As the mist comes climbing up the hill, और ये कब का टाइम था, जैसे ही धुंध
सारे पहाड़ों पर छा गई थी, सभी पहाड़ों पर, सभी माउंटेन्स पर जब धुंध छा गई थी तो बिल्कुल शांत हो गए थे पक्षी। वो किसी प्रकार की कोई हलचल, किसी प्रकार की आवाज, किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं कर रहे। Perhaps that is what makes the mist so melancholy. और यही कारण है कि मिस्ट जब कोहरा आता है, धुंध आता है, तो इसको क्या बना देता है? बहुत उदास बना देता है। Melancholy means sad or the state of sadness. State of sadness. उदास, दुखी। मिस्ट बहुत उदास बन जाती है या उदास लगती है किस कारण से? क्योंकि कोई भी पक्षी जब ये आती है, धुंध आती है या कोहरा आता है, तो कोई भी पक्षी किसी प्रकार की कोई भी हलचल और किसी प्रकार का कोई भी आवाज, किसी प्रकार का कोई संगीत करना वो बंद कर देता है। इसी कारण से ये जो आपकी मिस्ट है ये उदास नजर आती है, ये उदास बन जाती है। यू कैन यूज इट इन योर ओन वर्ड्स, शी सीम्स वेरी melancholy. वो बड़ी उदास नजर आ रही है। एंड नॉट ओनली इट कंसील द हिल्स, कंसील मीन्स टू हाइड। और ये धुंध क्या करती है? जब छा जाती है पहाड़ों पर या किसी पेड़ पर तो उसको क्या कर देती है? ढांक लेती है, कंसील, कवर्स, हाइड। जब ये कोहरा छाता है, जब ये धुंध छाती है, तो क्या करती है? नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इतना ही नहीं करती, पहाड़ों को केवल छुपा ही लेती है, चोटियों को केवल छुपा ही लेती है, बल्कि क्या कर देती है? इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। यह उनके ऊपर शांति का, चुप्पी का ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल, ब्लैंकेट्स। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। ब्लैंकेट्स मींस कंबल ओढ़ा देना। इट इज यूज्ड एज ए वर्ब, वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड पर्सन सिंगुलर है इट। इट इज यूज फॉर मिस्ट, मिस्ट के लिए यूज किया गया है, कोहरे के लिए यूज किया है इट। और इट इज एन, इट इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर जो है। मिस्ट क्या है? नाउन है। ब्लैंकेट्स ये उसको एक कंबल भी ओढ़ा देती है, मतलब बिल्कुल छुपा लेती है। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। एक घंटे पहले क्या हो रहा था? ओनली एन आवर अगो, एक घंटे पहले सारे के सारे पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, पक्षियों का संगीत बज रहा था। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल, डेथली स्टिल। लेकिन जैसे ही कोहरा छाया, जैसे ही धुंध छाई, तो क्या हो गया है? डेथली स्टिल, मृत्यु की तरह शांत, मृत्यु की तरह शांत से कंपैरिजन किया गया है। मींस बहुत ज्यादा शांत हो गया, मतलब वहां पर किसी प्रकार का कोई भी पक्षी की कोई आवाज नहीं है। डेथ हिस्ट्री मीन्स काम, शांत। स्टिल एज डेथ,
जिस प्रकार से मृत्यु होने पर स्टिल एज डेथ बिल्कुल शांति छा जाती है, चुप्पी छा जाती है, उसी प्रकार से ये जैसे ही पेड़ों पर और पहाड़ों पर कोहरा छाता है तो सारे के सारे पक्षी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जैसे मृत्यु के समय पर बिल्कुल चुप्पी खामोशी छा जाती है, उसी प्रकार की चुप्पी और खामोशी यहाँ पर छा गई है। किसके कारण? धुंध के, कोहरे के कारण। As though it were midnight, ऐसा लगता है दिन के समय में ही जैसे आधी रात हो गई। आधी रात के समय बिल्कुल शांति होती, बिल्कुल चुप्पी होती है, क्योंकि सभी पक्षु, सभी पक्षी, सभी जानवर, सभी प्राणी, सभी आदमी सब सो चुके होते हैं और बिल्कुल खामोश होता है रात, आधी रात का नजारा। तो उसी प्रकार का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसे आधी रात हो गई हो, जैसे मृत्यु जैसी खामोशी छा गई हो। कारण क्या है कि चोटियों पर, पहाड़ियों पर और पेड़ों पर हर जगह कोहरा छा गया है, धुंध छा गई है और किसी प्रकार की कोई आवाज किसी पक्षी की सुनाई नहीं दे रही। थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। थ्रू द मिस्ट, धुंध के अंदर ही, अब कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है धुंध में, ना तो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ना पक्षी दिखाई दे रहा है, ना तो पहाड़ियां दिखाई दे रही है। बीजू जो एक करेक्टर है यहां पर, बीजू इज ए करेक्टर इन द स्टोरी। थ्रू दी मिस बीजू इज कॉलिंग टू हर सिस्टर, इज सिस्टर सॉरी बीजू। बीजू क्या कर रहा है? धुंध के अंदर ही अपनी बहन को पुकार रहा है, अपनी बहन को आवाज दे रहा है, उसको बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड। और ये जो लेखक कह रहा है, आई कैन, आई इज द राइटर ऑफ द डायरी, लेखक, आई कैन हियर हिम, मैं उसको सुन सकता हूं, रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड। क्या कर रहा है? जो पहाड़ी की तरफ, रनिंग अराउंड इज ए idiom, रनिंग अराउंड, जो बहुत बिजी है कई कामों, बिजी इन मैनी थिंग्स, जो पहाड़ी की साइड में कई कामों में व्यस्त है, बीजू वह अपनी बहन को पुकार रहा है। बट आई कैन नॉट सी, लेकिन लेखक कह रहा है वह बिजी है, उसको सुन सकता हूं, उसकी आवाजें आ रही है, लेकिन उसको मैं देख नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि देयर इज मिस्ट, मिस्ट के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ और वन डे डायरी, दैट इज ऑफ जून 24 की डायरी है, एक दिन की। और डायरी रोज की रोज लिखी जाती है, डेली लिखी जाती है, ईच एंड एवरी डे। तो 24 तारीख की डायरी में क्या बताया है कि पहला दिन है इसका, धुंध का, और धुंध ने क्या कर दिया है, बिल्कुल सभी पेड़ों को, सभी पहाड़ियों को, चोटियों को, घाटियों को ढक लिया है, और अब किसी प्रकार का कोई भी पक्षियों का संगीत, पक्षियों की आवाजें, पक्षियों को नहीं देखा जा सकता है। और एक करेक्टर का वर्णन किया है बीजू, बीजू जो अपनी बहन को पुकार रहा है और कई प्रकार के काम कर रहा है, और वह लेखक को दिखाई नहीं दे रहा है, केवल लेखक उसको एक्टिविटीज को सुन सकता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स व्हिच यू हैव टू यूज इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट वन इज सराउंडेड, ये मैंने आपको करके दिखाया था, सराउंडेड। दूसरा आपका है डेंस। तीसरा है टेन्यूस। फोर्थ वन इज मेलंकली एंड फिफ्थ वन इज डेथली स्टिल। इन सभी वर्ड के वर्ड मीनिंग्स
एंड यूज इन योर ओन सेंटेंसेस. सिक्स्थ वन इज डाइंग एंड सेवंथ वन इज डे. ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट 25th नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे.